रेबेल स्टार प्रभास अभी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही साथ पूरी इंडिया में राज करने वाले एक नाम बन गई है। हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रभास के आने वाले हैं बड़े बड़े कई सारे प्रोजेक्ट जो तेलुगु के साथ ही साथ तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि अभी बाहुबली एक्टर को सभी भाषाओं की मूवी लवर्स ने एक साथ देख पाएंगे। यानी कि अभी प्रभास बन गई है पैन इंडियन सुपरस्टार और बाहुबली से बड़े करके बनाया जाएगा प्रभास का रिसेंट किया हुआ अनाउंस्ड वाला फिल्मों को। तो दोस्तों, आज मैं प्रभास का सारे अपकमिंग फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप हो रेबेल स्टार प्रभास का फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, राधेश्याम। राधेश्याम अपकमिंग प्योर रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को लेकर प्रभास का फैंस ने काफी एक्साइटेड है, क्योंकि जहां पर उनका लास्ट फिल्म साहो एक दमदार एक्शन वाला था और अभी उनका अपकमिंग फिल्म एकदम रोमांटिक जेनर का होने वाले है और इसको डेट करे है राधा कृष्णा कुमार ने और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े लीड रोल में होगा और इसका स्टोरी 1970s यूरोप का रोमांटिक ड्रामा सेट पर बेस्ड होगा। यानी कि एक प्योर रोमांटिक हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं डार्लिंग प्रभास और राधेश्याम को तेलुगु और हिंदी भाषा में एक साथ शूट किया जाएगा और एक पैन इंडियन वाला फिल्म होगा और बाद में इस फिल्म को अदर लैंग्वेज में भी रिलीज कर दिया जाएगा। और बात करो राधेश्याम का बजट की, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट रखे गए है 150 करोड़ प्लस और राधेश्याम 2021 में रिलीज होगा। और प्रभास ने इस बार एक रोमांटिक हीरो के किरदार में नजर आएंगे। यानी कि और एक बार हमारे डार्लिंग वापस आ रही है अपने रोमांस वाला अवतार के साथ। तो दोस्तों कमेंट पे बताना आपका हिसाब से प्रभास का डार्लिंग लुक या उनका रेबेल स्टार का लुक कौन से आपका सबसे पसंद है। नंबर टू, प्रभास 21। यह अपकमिंग साइंस फिक्शन फिल्म है और अभी प्रभास 21 में प्रभास को दीपिका पादुकोण के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे और साथ में इसमें निविता थॉमस को एक क्रूशियल रोल में नजर आने वाले हैं, जिनको हम दरबार, नीनू कोड़ी, जायलावा कुसा में देख चुके हैं। और प्रभास 21 को डायरेक्ट कर रहे हैं नागवशी ने। हाँ दोस्तों, जिनको हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और बेहतरीन बायोपिक फिल्म महानदी उन्होंने डायरेक्ट किया है, जहाँ पर हमको कीर्ति सुरेश और दिलकुर सलमान को लीड रोल में नजर आई है और जो फिल्म इंडस्ट्री हिट भी साबित हुई। और प्रभास 21 ये मूवी एक साइंस फिक्शन फिल्म जेनर का होगा जिसमें कई सारे फिक्शनल चीजें नजर आएंगे और ये एक पैन इंडियन साइंस फिक्शन फिल्म होगा जिसको तेलुगु के साथ ही साथ हिंदी, तमिल और मलयालम भाषा में भी रिलीज कर दिया जाएगा। और बता दो दोस्तों, इस फिल्म पर थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टोरी को हाईलाइट करके दिखाया जाएगा और इसलिए इसका बजट भी काफी हाई रखा गया है। और प्रभास 21 रिलीज होगा 2022 में। और प्रभास ने एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने पहले बार के लिए एक काफी बड़े पैन इंडियन साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट लेकर सामने आ रही है। नंबर थ्री, आदि पुरुष। ये अपकमिंग हिंदी माइथोलॉजी फिल्म होगा जो इंडियन एपिक लॉर्ड राम पर बेस्ड होगा। इसमें रेबेल स्टार प्रभास को लॉर्ड राम यानी कि आदि पुरुष के रोल में नजर आएंगे और इसमें होगा गुड और इविल के बीच में एक लड़ाई। और अगर बात करें इस फिल्म का डायरेक्टर के बारे में, तो इस फिल्म को डायरेक्ट करी है 2020 का बॉलीवुड का सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म तन्हाजी का डायरेक्टर ने और जिस फिल्म को बॉलीवुड का पीरियड हिस्टोरिकल बायोपिक वॉर फिल्म माना जाता है। और प्रभास का आदि पुरुष फिल्म को 3D में शूट किया जाएगा और इस फिल्म को एक साथ तेलुगु और हिंदी में शूट किया जाएगा और साथ में कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषा में भी डब्ड करके रिलीज कर दिया जाएगा और इसके अलावा भी कुछ फॉरेन लैंग्वेज में भी आदि पुरुष को रिलीज कर दिया जाएगा और ये बिग बजट वाला प्रोजेक्ट 2022 का एंड में रिलीज होगा। और अगर बात करो आदि पुरुष का बजट को लेकर, तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट वाला फिल्म होगा और इस फिल्म का बजट रखा गया है लगभग 400 करोड़ प्लस। यानी कि आप सिर्फ प्रभास पूरी इंडिया में धमाल मचाने वाले हैं अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को देकर। नंबर फोर, महाभारत। ये अपकमिंग एपिक माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है और इसको डायरेक्ट करी है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नंबर वन डायरेक्टर एसएस राजामौली ने और इसमें आमिर खान, प्रभास, अमिताभ बच्चन, थलाइवर रजनीकांत, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, कमल हसन ऐसे कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार नजर आएंगे। और ये फिल्म आमिर खान का एक बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें काफी VFX स्पेशल इफेक्ट भी नजर आएंगे। और सभी लोगों ने महाभारत का कहानी जानते हैं, फिर भी इसमें जिस तरह की स्टार कास्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्टर है, तो फिर ये फिल्म सबसे बड़े हाइप वाला फिल्म बन गई है।
चाहे वो हिंदी ऑडियंस हो या साउथ का, पूरी इंडिया का काफी हाइप वाला फिल्म बन गई है महाभारत। और महाभारत का बजट रखा गई है और ये टोटल इंडिया का सबसे बिग बजट वाला फिल्म होगा। और इस फिल्म को लेकर कई सालों से काफी र्यूमर सुनने को मिल रही है, पर इसे जुड़कर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक की नहीं आई है। तो दोस्तों, ये रहा प्रभास के आने वाले सारे अपकमिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म के लिए आपको ज्यादा इंतजार रहेगा, कमेंट करके बताना। और अगर आप हो रेबल स्टार प्रभास का फैन, तो इस वीडियो को एक लाइक भी करना। और इस तरह की बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।